नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। पिपरिया प्रभारी प्रवीण कुमार कुमरे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा पिपरिया क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की गई। 12 अक्टूबर को काबरा कॉलोनी पिपरिया में एक बुजुर्ग महिला अरुणा भट्टर के साथ भी अज्ञात आरोपी के द्वारा कटरा अड़ाकर सोने की चैन लूटकर घटना की गई। पिपरिया क्षेत्र में हुई दो लूट की वारदात का खुलासा करना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद के द्वारा अतिशीघ्र लूट की घटना का खुलासा करने हेतु निर्देशित किया गया था। पिपरिया पुलिस के द्वारा काफ़ी मेहनत एवं लगन से घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर एवं घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज प्राप्त किए जाकर अज्ञात आरोपियों का हुलिया ज्ञात हुआ। के द्वारा पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अपनी हिरासत में लेते हुए उन्हें शहर के चौराहे पर व अपने उन जगह पर ले गए जहां उन्होंने अपनी वारदात को अंजाम दिया था। धन्यवाद। ये हमारे पिपरिया शहर में एक चेन स्नेचिंग की वारदात हुई थी 10 जुलाई को और दूसरी वारदात 12 अक्टूबर को। ये दो घटनाएं हुई थी और इसकी हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही थी। तो आसपास के सभी जिलों में, सभी जेल में, सभी कस्बों में और जो सीसीटीवी फुटेज हमको प्राप्त हुए थे दोनों वारदातों के, उनके आधार पे हम लोग इनकी तलाश कर रहे थे। तो तलाश करते ऐसे सुराग उनके हुलिये के आधार पे कि कोई प्रवीण सोनी नाम का व्यक्ति है, सॉफ्टवेयर में डाल के उसका पता किया गया। ये सोनी जो है बंद हुआ था, उसका हुलिया जो है जो 12 तारीख को भट्टर वाली जो हुई थी उसमें इसका कुछ मेल खाया हुआ। इस आधार पर जो है प्रवीण सोनी को पता करते हुए गाड़ावारा में हमारी टीम ने पकड़ा। टीआई साहब जब वहाँ स्वयं गए अपनी टीम लेकर के उसको पकड़ा तो वो जो है उसने उससे पूछताछ हुई तो उसने दोनों चोरियाँ दोनों लूट करना कबूल किया। पहली बार आया था तब वो अपने साथ में एक साकेत हरदेनिया करके लड़का उसको लेके आया था। दूसरी बार 12 अक्टूबर की घटना में वो राजीव गुप्ता नाम के व्यक्ति को साथ लेकर आया था, जिसमें मेन आरोपी है प्रवीण सोनी। वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठता था और वो घटना को अंजाम देता था और चेन स्नैचिंग करके पीछे बैठ के मोटरसाइकिल में भाग जाता था। वो चेन मिली क्या इनके पास? चेन, हाँ, दोनों चोरी गई चेनें मिली और इनके पास से एक जो है देसी कट्टा रिवॉल्वर हाथ का बना हुआ वो इन लोगों से मिला, इससे सोनी से, और एक मोटरसाइकिल से ये लोग जो आते थे घटना करने जिस मोटरसाइकिल आते थे वो मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद है। कहाँ के रहने वाले सर? ये तीनों आरोपी गाड़ावारा के रहने वाले हैं और प्रवीण सोनी पहले चोरियों में मोटरसाइकिल चोरियों में बंद हो चुका है। बाकी दो साकेत और जो हरदेनिया और साकेत हरदेनिया राजू का रिकॉर्ड की पता किया जा रहा है कि इनके भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और भी बड़ा खुलासा हो सकता है पूछताछ? हाँ, इनसे अभी हम लोग पीआर ले रहे हैं और इनसे और भी पूछताछ करेंगे इन्होंने कौन कौन सी घटनाएं कहाँ कहाँ और की है या नहीं। अपने YouTube चैनल पर क्लिक करें, सर्च करें प्रगति मीडिया। प्रगति मीडिया को सर्च करने के बाद में उसके बेल आइकन पर क्लिक करें और प्रगति मीडिया को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करें व आप प्लेलिस्ट में जाके प्रगति मीडिया के सभी वीडियो देख सकते हैं व अपने राज्य से संबंधित भी आप सभी वीडियो देख सकते हैं व अपनी पसंदीदा वीडियो भी आप यहां देख सकते हैं।